आपको सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दी, क्वथनांक में उन्नयन। पहली परिभाषा क्वथनांक, क्वथनांक किसी भी द्रव का वह ताप जहां पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस दाब को हम कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक। उदाहरण के लिए वाटर, वाटर का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यह वह ताप होता है जहां पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, और द्रव कब उबलता है, जब उसका वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब हम वेपर प्रेशर बार दाब को टेम्परेचर के सापेक्ष आलेखन करते हैं, तो ये पहली लाइन है हमारी जो कि ये बताती है कि ये हमारा शुद्ध विलायक सॉल्वेंट है। शुद्ध विलायक सॉल्वेंट इसका रूप टेम्परेचर पे बार दाब का पीवन, जब हम इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस टेम्परेचर टी पर टी बी में आकर इसका वायदा बढ़ते बढ़ते वन वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अतः परिभाषा के अनुसार इस शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट है टी बी। अब यदि इसमें हम सूक्ष्म मात्रा में कोई अवाष्पीय पदार्थ मिला देते हैं तो आप पहला पढ़ चुके हो वायु दाब में अवनमन, तो इसके वायु दाब में कमी आ जाती है और कमी आने पर यह वायुदाब नीचे आकर P1 पर आ जाता है, तो रूम टेम्परेचर पे इस पे P1 है। अब जब हम यह सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन के रूप में यह सॉल्यूशन P1 पे नहीं उतरेगा, जब हम इसे धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं तो ये इस तरीके से इसका बढ़ता जाता है और हम देखते हैं इस पॉइंट पर आकर यह वायुदाब बढ़ते बढ़ते एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। और परिभाषा के अनुसार T1 जो है यह इस द्रव सॉल्यूशन का क्वथनांक है। यदि हम अधिक मात्रा में NaCl को मिला देते हैं तो वो विलयन कहलाता है शांत विलयन। शांत विलयन में का वायुदाब और अधिक गिर जाता है, यह P2 पे आ गया रूम टेम्परेचर पे, तो P2 P1 से कम है। अब यह द्रव को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं तो यह पहले आता है यहाँ पर ये नहीं उबलता क्योंकि इसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब से कम है। अब जब हम इसे और अधिक गर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं इस पॉइंट पर आकर इसका जो वाष्प दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और इस टेम्परेचर टी थ्री पर यह द्रव उबलने लगता है। तो टी थ्री जो है वो शांत विलयन का बॉइलिंग पॉइंट, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी द्रव का शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट की भी जब हम इसमें अवाष्पीय पदार्थ मिलाते हैं ये विलयन के रूप में आ जाता है तो इसका क्वथनांक बढ़ के हो जाता है टी वन। टी वी से टी वन का बढ़ना ये कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन और ये बराबर होता है डेल्टा टी वी। डेल्टा टी वी क्वथनांक में उन्नयन राउल्स के नियम के अनुसार मोलैरिटी के समानुपाती होता है, अतः डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मोलैरिटी एम विलयन की मोलरता, अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे यूज किया के बी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम का मतलब है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, के बी को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या मोलर उन्नयन स्थिरांक, और डेल्टा टी बी कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। यदि मोलरता का मान एक मोल पर केजी हो, अर्थात एक मोल विलय पदार्थ 1000 ग्राम विलायक में विलय हो, तो डेल्टा टी बी का मान समीकरण एक से एम का मान यदि एक के बराबर है तो डेल्टा टी बी का मान के बी के बराबर होगा। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है यदि विलयन की मोलरता 1 मोल प्रति केजी हो, और दूसरे शब्दों में मोलर उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है यदि किसी विलयन में अवाष्पीय पदार्थ का 1 मोल 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ हो, उसको हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इस विधि द्वारा मोलर
पदार्थ का अनुभाग याद कर सकते हैं। अनुभाग याद करने के लिए हम यह डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू एन, मोलरता का मान बराबर होता है एन वी अवास्तविक पदार्थों के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए विलायक का भार ग्राम में। तो ग्राम में तो उसको परिवर्तित करने के लिए हमने 1000 का गुणा किया है किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए। और एन बी आप जानते हो इट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी। तो ये मान इस समीकरण में रखने पर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी 1000 डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी, जहाँ पर एम बी बराबर होगा एम बी इज इक्वल टू 1000 के बी डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी अवास्तविक पदार्थ का अनुकार ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ 1000 के बी का मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू बी का मतलब है अवास्तविक पदार्थ विलय पदार्थ का भार ग्राम में, डेल्टा टी बी का अर्थ है क्वथनांक में उन्नयन और डब्ल्यू ए का अर्थ है विलायक में का भार ग्राम में। इसके साथ अब आपको कल नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाएंगे परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। थैंक यू।